हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन, मैं शम्मी गुप्ता जम्मू से बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं 2018 मार्च से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स, रेगुलरिटी से चलते चलते मुझे कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं। उनमें से एक डिवाइन एक्सपीरियंस आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम भगवान जी के साथ जुड़ते हैं तो भगवान जी हमें दिव्य अनुभव भी करवाते हैं। तो एक दिव्य अनुभव बहुत ही जो मेरे दिल के करीब है, आज सभी के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात 2021 नवंबर की है, जिस दिन गोवर्धन पूजा का दिन था। तो फ्रेंड्स, मन में मॉर्निंग से ही ये भाव था कि काश आज मैं भी वृंदावन में होती, काश आज मैं भी गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रही होती। फ्रेंड्स, फिजिकली तो मैं घर पे थी, लेकिन माइंड से मैं वृंदावन में ही थी। तो फ्रेंड्स, सेम डे सडन नून टाइम में मेरी एक नेबर मुझे मिलती हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके घर में अक्सर संत महात्मा लोग आए रहते हैं, क्या आपके घर में कोई भजन कीर्तन होता है? तो वो मुझे कहती हैं, बिल्कुल, हमारे घर में तो भजन कीर्तन होता ही रहता है, क्योंकि हमारे घर में गोवर्धन जी की विशेष पूजा होती है। फ्रेंड्स, मैं ये बात सुन के हैरान हो जाती हूँ कि सुबह से ही ये थॉट बार बार मेरे मन में आ रहा था कि काश आज मुझे भी गोवर्धन जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत ही भगवान जी की तरफ से एक स्पेशल ब्लेसिंग थी कि मेरे ही घर के पास मेरी नेबरर हैं और उन्हीं के घर में गोवर्धन जी की विशेष पूजा होती है और मैं जानती भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मुझे वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहाँ पे मुझे भगवान गोवर्धन जी के दर्शन करने को मिलते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही प्यारा एक दिव्य अनुभव था। देखिए, जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो भगवान हमारी मटेरियल डिजायर्स तो फुलफिल करते ही हैं, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल डिजायर्स होती हैं वो भगवान इंस्टेंट फुलफिल करते हैं। मैं घर पे परेशान थी, निराश थी कि मैं वृंदावन नहीं जा सकी, लेकिन देखिए भगवान श्री हरि की कैसे कृपा होती है, मेरे ही घर के पास गोवर्धन जी की पूजा होती है और सौभाग्य से मुझे वहां जाने का मौका भी मिलता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, भगवान श्री हरि का आश्रय लेते हुए ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना किसी युक्ति पर, हे ईश्वर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।